सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। रोजाना की तरह चुनावी मौसम में सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम सुनिए नेताजी के तहत आज हमारी छतरपुर टीम ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेसेपुर पंचायत व खैरादोहर पंचायत के कुछ ग्रामीणों की चुनावी राय, मुद्दे व समस्याओं को जानकर लोगों और नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कुछ तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद हुई जो विकास के दावों के प्रतिकूल और पूर्व में किए गए सरकारी कार्यों की पोल खोलती नजर आई। सड़क से लेकर शौचालय तक सरकार और ठेकेदारों की मिलीभगत से किए गए निम्न गुणवत्ता के कार्य भी दिखे। वहीं खैरादोहर के ग्रामीणों की गांव में निर्माण हो रहे विवाह मंडप को लेकर भी कुछ शिकायतें थी जिसे लोगों ने हमारी टीम से साझा किया। विधायक फंड से बनने वाला मंडप जो कि एक वर्ष पूर्व ही स्वीकृत हुआ था, उसकी ठेकेदारी गलत हाथों में जाने से अब तक अधूरा था। सुनिए नेताजी कार्यक्रम के तहत आज हम फिर पहुंचे एक नए गांव और मिले वहाँ के ग्रामीणों से, जानने की कोशिश की उनके राय, चुनाव को लेकर उनके मुद्दे, किस मुद्दे के तहत अब की बार वो अपना उम्मीदवार चुनेंगे, उनकी क्या ज़मीनी समस्याएं, और इन सारी बातों को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि लोग और साथ साथ वैसे उम्मीदवार जो इस बार अपने एक नए मुद्दे के साथ, अपने विकास के नए दावों के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सुनिए क्या है जमीनी हकीकत, क्या है लोगों की बुनियादी समस्याएं। आपका नाम? ललन यादव है। इस किस जगह स्थान है ये? हम सब अभी लकड़ाही सिल्ला संयुक्त बाजार पर जी अभी हम अपने समाज के साथ खड़े हैं जी, और यहाँ पर पूर्व से अधिनिर्मित श्री राम मंदिर का जो दिखाई पड़ रहा है सामने। किस चीज का बोल रहे थे कि निर्माण के बारे में? श्री राम मंदिर जो है जी, इस राम मंदिर में जो आधा काम हुआ आधा काम बाकी दिख रहा है जी, इस मंदिर के निर्माण में इस पंचायत की जनता जी एक रुपया पैसा अपना खर्ची बेच के दिया है जी, और खर्ची बेच के देने के बाद भी मालूम पड़ा। शिलान्यास कब हुआ था? शिलान्यास एक साल हो गया करीब, एक वर्ष हो गया, एक साल हो गया पूर्व में। और इस शिलान्यास शिलान्यास किसने किया था? विधायक जी की, राधा कृष्ण किशोर जी जी, वर्तमान विधायक, वर्तमान विधायक। और उनको शिलान्यास करने के बाद कुछ काम उसमें ऊपर लगा भी जी, लेकिन ये काम पूर्ण नहीं हुआ जी। इस बात से हम लोग में असंतोष है जी कि जिस मंदिर को उठाने के लिए जनता अपना खर्ची बेच के चंदा दे सकता है, तो फिर सरकारी पैसा आवंटन होने के बाद यह कार्य अधूरा क्यों रह गया जी। इस बात से हम यहाँ के ग्रामीण में इस बात का शंका है कि या तो सरकार में बैठे लोग या काम करने वाले लोग कहीं न कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, ताकि हम जनता इसका पेट काट का चंदा देकर आधा मंदिर बना दिया था, एक तरह तो हम लोग बना दिए है। जिसने इस कार्य के जो सौंपा था, जिसने बनाने के जिम्मेवारी लिया था जी, उस आदमी से राय सलाह लिए कि अभी तक क्यों अधूरा है? राय मशवरा नहीं ले पा रहे हम लोग जी, ताकि समय था ना भाई, एक साल पहले से काम लगा, साल हो गया अब तक काम कुछ नहीं हुआ है। इस बात से हम लोग में असंतोष है कि आखिर काम करने वाले लोग और इसका एजेंसी दोनों के बीच क्या लापरवाही है, क्या कमी है, जो हमारा एक ताला मंदिर बनाने के बाद दूसरा ताला में काम पूर्ण क्यों नहीं हुआ, पैसा सरकारी पैसा मिलने के बाद जब काम नहीं हो रहा है। इस बात का हम लोग को भीतर से दर्द इस बात का है कि हम लोग खर्ची बेच बेच के चंदा दिए थे, और ऐसे पैसा मिलने के बाद सरकारी पैसा मिलने पर काम का प्रगति नहीं हो रही है। इस बात पर हम लोग को काफ़ी चिंता है कि सरकार के पैसा से काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, और इस बात पर काम करने वाले लोगों को जवाब देना चाहिए जी। आपका नाम? लीलावती कुमार। ये किस क्षेत्र में पड़ता है? विजयपुर। विजयपुर, यहाँ आप स्थानीय निवासी हैं? हाँ, स्थानीय निवासी। इस वर्ष बीती 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार रही, यहाँ के विधायक राधा कृष्ण किशोर रहे, इस क्षेत्र का कभी विकास, कभी रोड कर सड़क उड़क बना? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, हुआ। यहाँ के रोड सड़क लाइन रहता है? लाइन वगैरह तो मैंने बड़ी मुश्किल है, लेकिन कभी जब ही रहता है, कभी जब ही रहता है। यहाँ के कोई स्थानीय विधायक कोई आते जाते थे पहले? कोई नहीं, कोई नहीं आते, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इस वर्ष क्या मूड बनाए हैं आप लोग? इस वर्ष मूड बनाए हैं हम लोग बाबूलाल। किसका सरकार? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी की सरकार, कि उनको भी देखते हैं कि वो क्या क्या करते हैं इस वर्ष में। इस वर्ष में जी यहाँ के विकास, स्कूल विद्यालय चलता है? यहाँ स्कूल विद्यालय चलता है, चलता है, लेकिन उतना ढंग से नहीं चलता है, ढंग से नहीं चलता है, नहीं चलता है। और विधायक जी कभी इस क्षेत्र में आते थे? कभी
वो बाबूलाल मरांडी तो नहीं आए हैं? नहीं, बाबूलाल मरांडी की बात नहीं, यहाँ वर्तमान विधायक राधा कृष्ण किशोरी क्षेत्र में कब वो नहीं वोट लेने के समय आते हैं सिर्फ बस इधर कब वो नहीं बहुत कभी जब ही तो वो नहीं आते थे। आपका नाम? रामदेव सिंह। कौन क्षेत्र पड़ता है? ग्राम विषयपुर। विषयपुर में। यहाँ आप इस वर्ष किसका वोट देना चाहते हैं? वोट देने के लिए बाबूलाल मरांडी का। अच्छा, नया सरकार बनाना चाहते हैं? हाँ। और बीते वर्ष 5 वर्ष बीजेपी की सरकार थी, इधर छतरपुर पाटन विधानसभा में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ से विधायक राधा कृष्ण किशोर थे। आपके क्षेत्र में कभी आते थे? आए हैं एक दो बार, बेसी नहीं आए हैं जी। आप पर कब ध्यान रखते थे इस क्षेत्र में कि रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है? नहीं दिए ध्यान। नहीं ध्यान दिए? इस क्षेत्र में विकास क्या हुआ? विकास अति विधायक फंड से? विधायक फंड से कुछ नहीं, कुछ नहीं के भर डैम ना बांध है, रोड है थोड़ा सा निकलने खातिर, आने जाने खातिर, और कुछ नहीं विकास हुआ ना? विकास नहीं। तो इस वर्ष क्या चाहते हैं? हम नया सरकार बनाना चाहते हैं। नया सरकार किसका? बाबूलाल मरांडी को। बाबूलाल मरांडी की सरकार बनाएंगे? चलिए बहुत अच्छा। आपका नाम? रामचंद्र सिंह। ये कौन क्षेत्र में पड़ता है? विषयपुर। विषयपुर में। इस वर्ष आप किस विधायक को चुनना चाहते हैं, या नया क्या पुराना का विधायक? तो हम लोग अभी नया बाबूलाल मरांडी को। अच्छा, रखे हैं बाबूलाल मरांडी का सरकार। इस 5 वर्ष में छतरपुर पाटन विधानसभा में प्रत्याशी बाती राधा कृष्ण किशोर रह चुके हैं, आपके क्षेत्र में कभी आते हैं जाते थे? वो आते हैं लेकिन लम्हर पार्टी को चिंते हैं, छोटा पार्टी को नहीं चिंते हैं। आपके पास कबो नहीं आए इस क्षेत्र में? कबो क्षेत्र भ्रमण किए हैं? क्षेत्र में आए हैं लेकिन कभी कभी आए हैं। तो जी, इस क्षेत्र के आपको रोड सड़क कैसा है? हम लोग तो स्थिति अभी गंभीर है, खराब है। क्षेत्र में रोड है नहीं है, काज है इसी जगह तो है, सामने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ बिजली बढ़ता है? नहीं बढ़ रहा है, जनता ने बढ़ रहा है, बिसेप्रे नहीं बढ़ रहा है। और शौचालय वगैरह? शौचालय भी नहीं बढ़ रहा है। शौचालय उचालय नहीं बना है? आपका नाम? इस वर्ष किसका चुनना चाहते हैं विधायक से? विधायक में देखिए, जो भी विधायक यहाँ से जीत कर जाते हैं जी, वहाँ अपना अपना अधिकार नहीं लगते हैं जी, वादा करते हैं निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? करते हैं कुछ जी, कहते हैं कुछ, अब करेंगे कुछ। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? कहाँ विकास के नाम में, खाली तो होता है लेकिन विकास हो ही, देखिए अभी पड़ेला रोड है, ऐसा है किसी करना इस सब के लेके था समस्या। हाँ, यही होता है, वादा हजार करते हैं लेकिन निभाते नहीं है, यही होता है। यहाँ स्थानीय विधायक कब आए इस क्षेत्र में, कब आते हैं? आए हैं गए हैं ऐसा कुछ नहीं है जी। 30 वर्ष किसका सरकार बनाना चाहते हैं, किस क्षेत्र का, इस क्षेत्र में किसका, किस पार्टी का चुनाव देना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं? जैसा इतना तो एक किसी का मत से नहीं होता, ये सभी का जी। आप सबका राय है कि इस वर्ष किसका देना चाहते हैं? इसमें तो कुछ भाजपा का भी है जी, जेबीएम का भी है जी, कुछ गठबंधन में भी है, ऐसा कुछ नहीं किसी एक पर्सनल का नहीं है जी। तो इस वर्ष आप किसका देना चाहते हैं, आपकी राय? नहीं, अपना राय तो अपना अपना राय बोलेंगे तो कोई जेबीएम भी। तो आप जो बीती वर्ष जो वर्तमान विधायक रह चुके हैं उस कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट, देखिए होता क्या है कि यहाँ से मेले बन के जाते हैं मेन जी, और वहाँ पे कुछ और करने लगता है, वादा को भूल जाते हैं, मेन समस्या ही है। तो इस बार, कुछ सोचे कि दूसरा कहीं कुछ बदलना जरूरी है जी। तो इस बार किसका देना चाहते हैं? इस वर्ष अपना विचार से जेबीएम को ही चाह रहे हैं। जेबीएम को चाह रहे हैं, चलिए बहुत।